प्रगति की माँ शांति से मिलने आता है और उन्हें बताता है कि अब जल्दी ही ये पता चल जाएगा कि प्रगति कहाँ है। डॉक्टर शकुंतला और डॉक्टर अनिल को भी ये खबर मिलती है। शांति अब भी ये चाहती है कि प्रगति का विवाह डॉक्टर अनिल से हो जाए। वो ये नहीं जानती कि अनिल मोदी की बेटी मीना से प्यार करता है। राजेश प्रगति की याद के सहारे जिंदा है और एक न एक दिन प्रगति को पाने की उम्मीद रखता है। मोदी राजेश और डॉक्टर अनिल का शुक्रगुजार है क्योंकि उसकी बेटी मीना उन दोनों की तीमारदारी की वजह से ही स्वस्थ हुई है। ठाकुर भूपेंद्र सिंह राजन को बुलाकर उससे विनोद का पीछा करने के लिए कहता है। प्रगति विकास से मिलती है और सनोबर को नम्रता बहन के चंगुल से छुड़ाने के बारे में उसकी राय पूछती है। विकास प्रगति को इंस्पेक्टर विक्रम से मिलने की राय देता है। अब आगे, अगर मैं ईसा भाई को एक और दिन दुखी देखूंगी तो मैं सचमुच पागल हो जाऊंगी। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूं। तुम इंस्पेक्टर विक्रम खत्री को जाकर मिल लो, क्योंकि वो एक निडर, सच्चा और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। ये सही मशवरा दिया है आपने। अरे हाँ प्रगति, एक बात बताना मैं तुम्हें भूल ही गया। एक डिटेक्टिव आया था, तुम्हारा पता पूछ रहा था। डिटेक्टिव? कह रहा था कि किसी रतनपुर की ठाकुर राइन ने उसे तुम्हारा पता पूछने के लिए भेजा था। आपने पता तो नहीं बताया ना? नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। थैंक यू वेरी मच। मैं चलती हूँ। ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना और जो भी हो मुझे उसकी खबर देती रहना। प्रगति, आप ईसा भाई और मूसा भाई कहाँ हैं? वो लोग किसी काम से बाहर गए हैं, बस आते ही होंगे। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं जरा खाना खाया हूँ। ओ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। आओ। तो तुम हो प्रगति? कौन हो तुम? मैं राजन हूँ, प्राइवेट डिटेक्टिव। मैं तुम्ही को ढूंढ रहा हूँ। क्या बकरे हो, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? मुझे रतनपुर की ठकुराइन ने भेजा है। चले जाओ यहाँ से। मैं यहाँ जाने के लिए नहीं, तुमको ले जाने के लिए आया हूँ। क्या? तुमने बहुत लोगों को परेशान किया है, अब उनकी परेशानी नहीं देखी जाती। मैंने भी दिन रात तुमको ढूंढने के लिए एक किया है। चलो मेरे साथ। मैं नहीं चलूंगी। तुमको मेरे साथ चलना ही होगा। जबरदस्ती करोगे क्या? अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मुझे जबरदस्ती भी करनी पड़ेगी। हाथ छोड़ो मेरा। हाथ मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो तो मेरा। अबे पुणे क्या सुन रहा था? ईसा भाई मूसा भाई मर गए। अबे हमारे होते हमारी बेटी पर हाथ उठोगा? समझता क्या अपने आप को बदमाश? अरे मेरी बात सुनो, मैं बदमाश नहीं हूँ। बदमाश नहीं है। अरे मेरी जानता नहीं है। ईसा भाई के सामने ऊंचे वाले बात करें तो अपने आप को गुंडा समझता? अबे तुझसे बड़ा गुंडा ये मेरा मूसा। मूसा मेरा हिसाब ले। अरे अरे मत मांग। ये शख्स अगर दुकान के आसपास भी नजर आए ना तो जान से मार देना इसे। अब कहो कि सराफों पर ईसा भाई, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। बेटी, अरे हमारे होते तू बिल्कुल फिक्र मत करना, हम तेरे लिए अपनी जान भी दे देंगे।
मगर तुझ पर आज नहीं आने देंगे बेटी, लेकिन आज के बाद से जरा तू भी थोड़ी एहतियाती बरतना। Once upon a time, in a small village, there lived a little boy with his mother and his sister. The sister and the brother loved each other a lot, and their mother. Kya hua ma? Subah hoti hai, raat hoti hai, din hafton mein और हफ्ते महीनों में बदलते जाते हैं। पता नहीं मेरी प्रगति कब मिलेगी। ओफो, कैसी बातें करती हो माँ, इतना बड़ा शहर है, यहाँ किसी को भी ढूंढना जरा मुश्किल काम है। तो इसका मतलब मैं प्रगति की आस छोड़ दूँ? कैसी बातें करती हो माँ, उसका नाम राजन डिटेक्टिव है, आज तक वो किसी काम में फेल नहीं हुआ। वो अपनी रिपोर्ट लेकर आता ही होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो प्रगति को भी ढूंढ निकालेगा। राजन डिटेक्टिव की रिपोर्ट आए ना आए, पर मेरी दीदी की राखी जरूर आएगी माँ। ये सब बातें दिल बहलाने के लिए बहुत अच्छी लगती है। दिल बहलाने की क्या बात है माँ, दीदी ने तो राखी भेजी थी ना। वो राखी भेजती है, वो खुद क्यों नहीं आती? क्या उसे अपनी माँ की हालत पे कभी तरस नहीं आता? ओ प्रगति, कहाँ है मेरी बच्ची? तो कहाँ है प्रगति? रो मत माँ, रो मत, दीदी जरूर आएगी। मेरा दिल कहता है कि दीदी जरूर आएगी माँ। नम्रता बहन, महिला आश्रम की संचालिका, मगर तुम उस सुनोबर नाम की लड़की को कैसे जानती हो? जब मैं आश्रम में थी मैं उससे मिली थी, और फिर उस दिन ईसा भाई के घर में मैंने उसकी तस्वीर देखी थी। ये ईसा भाई कौन है? जिनके लिए मैं काम करती। फिर ये सुनोबर की तस्वीर वहां कैसे आ गई? तो ईसा भाई की बेटी है। क्या ईसा भाई को मालूम है कि उनकी बेटी वहां है? नहीं। क्या तुमने उन्हें नहीं बताया? वो शरीफ और दीनदार लोग हैं, जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी उस जगह में है, वो शर्म के मारे खुदकुशी कर लेंगे। तो घर से भागी हुई लड़की है सुनोबर? भागी हुई नहीं, अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ उसने लड़के से शादी की और घर छोड़ दिया। वो लड़का कहाँ है? उसका कुछ पता नहीं। उसका नाम क्या है? अब्बास। गर्द पीने की आदत थी उसे। Oh my God, लड़के का कुछ पता नहीं और सुनोबर नम्रता के आश्रम में है? इंस्पेक्टर साहब, आप उसे छुड़ा तो लेंगे ना? ये काम इतना आसान नहीं है प्रगति। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप नम्रता के आश्रम में जाएंगे तो आपको सुनोबर भी मिल जाएगी और अब्बास का भी पता चल जाएगा आपको। अगर हम वहां जाएंगे तो ना हमें कोई सुनोबर मिलेगी और ना ही कोई मजलूम लड़की। हमें वहां मिलेगा महिला आश्रम का एक साफ सुथरा माहौल, भजन कीर्तन गाती हुई कुछ औरतें और कुछ कामकाज करने वाली महिलाएं जो नम्रता बहन को देवी कहकर पुकारती हैं। जानती हूं,
इसलिए तो जो भी ऑफिसर वहां छापा मारेगा उसे वहां मिलेगी शर्मिंदगी, जिल्लत और आखिर में जाएगी उसकी नौकरी। नम्रता बहन तो वहां अवतार धारण करके बैठी है, बड़े ऊंचे ऊंचे लोगों से पहचान है उसकी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये आश्रम इस तरह कब तक चलता रहेगा? ज्यादा दिनों तक नहीं प्रगति, पाप का घड़ा तो एक दिन फूटता ही है, और वो दिन दूर नहीं जब नम्रता बहन मुजरिमों के कटघरे में खड़ी होगी। वो दिन आएगा कब ये तो कोई ज्योतिष भी नहीं बता सकता, मगर वो दिन आएगा जरूर। इंस्पेक्टर विक्रम हेयर। विक्रम साहब, मैं राजन बोल रहा हूँ। कौन राजन? प्राइवेट डिटेक्टिव। हाँ बोलो बोलो, क्या काम है? देखिए मुझे प्रगति मिल गई है। क्या प्रगति मिल गई? मेरा मतलब है उसका पता मिल गया, मगर उसका पता लगाने के लिए मुझे बहुत मार खानी पड़ी। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ विक्रम साहब, जहाँ वो काम करती है ना, ईशा भाई की दुकान पर, उन लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी और मेरी बहुत बुरी तरह पिटाई की। एक मिनट, क्या ईशा भाई ने किसी की पिटाई की थी? हाँ, उस प्राइवेट डिटेक्टिव की जो मुझे ढूंढ रहा था, ठाकुरायन ने उसे अपॉइंट किया था। अरे मगर ठाकुरायन और डॉक्टर पराशर तुम्हारी माँ के साथ शामिल है। God, इसका मतलब है वो डिटेक्टिव लोगों को मेरा पता बता देगा? बिल्कुल। प्लीज विक्रम साहब, आप उन्हें रोक दीजिए प्लीज। मगर तुम उन लोगों से मिलना क्यों नहीं चाहती? क्योंकि अगर मैं उन लोगों से मिलूंगी, मैं अपने मकसद से पीछे हट जाऊंगी, मेरी प्रतिज्ञा खत्म हो जाएगी। मैं उस पाप की हवेली को तबाह करना चाहती हूँ जिसकी वजह से मुझे जिल्लत की जिंदगी मिली है, जिसकी वजह से मैं दर बदर की ठोकरें खाती आ रही हूँ। प्लीज विक्रम साहब, आप उन्हें रोक दीजिए, प्लीज उन्हें रोक दीजिए। हेलो, हाँ राजन, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ अभी और इसी वक्त। तुम घर पर ही रहना, कहीं मत जाना। हाँ प्रगति मेरे साथ आ रही है, मैं आपका इंतजार करूंगा। तुम चलो मेरे साथ। मगर हमें उसे रोकना है प्रगति, तुम चलो मेरे साथ। हेलो मिस्टर राजन। हेलो मिस्टर राजन, ये प्रगति है, आप इनसे बात कर लीजिए, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। ओके ओके, आइए तशरीफ रखिए, बैठिए। जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। बड़ी अजीब लड़की है आप, मेरी तकलीफ छोड़िए और उन लोगों की तकलीफ को सोचिए जो दिन रात आपके लिए परेशान है। जी जी हाँ, डॉक्टर प्राशर, डॉक्टर शकुंतला और आपकी माँ और आपका छोटा भाई गौरव। आपको क्या लगता है कि मैं घर से भागी हुई लड़की हूँ? और क्या है, देखिए यह बहुत हो चुका है, अब यह खेल खत्म कीजिए और वहां चलिए जहां आपकी बीमार मां आपका इंतजार कर रही है। जी नहीं, इस वक्त मैं वापस नहीं जा सकती। राजन साहब, आप नहीं जानते मेरे साथ हुआ क्या है। यही तो मैं जानना चाहता हूं कि आपके साथ हुआ क्या है। मैं आपको बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। सुनने के बाद अगर फिर भी आप मुझे उनसे मिलने के लिए कहेंगे तो मैं इनकार नहीं करूंगी। हम रतनपुर में रहते थे, पढ़ाई खत्म करने के बाद जब मैं रतनपुर वापस लौटी तो एक दिन मुझे ठाकुर की हवेली जाना पड़ा। Thank you.
क्या करें। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, वरना मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। प्रगति जी, मैं इंस्पेक्टर विक्रम का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे आप तक पहुँचा दिया। यह कहानी सुनने के बाद तो मेरी विचारधारा ही बदल गई। मैं लाइफ में बहुत एम्बिशियस हूँ, लेकिन मुझे लाइफ में कोई चांस नहीं मिला कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूँ। अब लगता है वो वक्त आ गया है। ये वो चेक है जो ठकुराइन ने मुझे आपको ढूंढने के लिए दिया था, मगर आप तो मुझे मिलकर भी नहीं मिली। मतलब आप मुझे मिली लेकिन ठकुराइन को नहीं। मैंने जो उनसे पैसे लिए थे वो तो उनको लौटाने ही पड़ेंगे। आज के बाद मैं उनके साथ नहीं आपके साथ काम करूंगा। मैं उस पाप की हवेली को ध्वस्त बनने में आपका साथ दूंगा। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। प्रगति जी, आज कुछ नहीं है लेकिन कल बहुत कुछ होगा। आपके तेवर बता रहे हैं कि एक दिन आप उस मकाम तक पहुंचेंगे जहां आपको देखने के लिए सर उठाना पड़ेगा। लेकिन मेरे रास्ते में बहुत खतरा है, इसमें जान भी जा सकती है। तो क्या हुआ, हम भी अपना सर कटाकर शहीदों में नाम लिखा देंगे। वैसे प्रगति जी, ये जीना भी कोई जीना है, अगर आपका साथ मिले तो जीने का मकसद मिल जाएगा। और मेरा मकसद है उस पाप की हवेली को तबाह करना। तुमने मुझे चेक वापस करके मुझे मायूस कर दिया है। तुम नहीं जानते प्रगति का मेरे लिए मिलना कितना जरूरी है। तुम उसे मेरे लिए ढूंढो, और कुछ और रुपयों की जरूरत है तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। नहीं ठकुराइन जी, अब प्रगति को तलाश करना मेरे बस की बात नहीं है। तो तुम्हें अपनी नाकामी पर कोई अफसोस नहीं? आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं नाकाम नहीं बल्कि कामयाब हो गया। किस तरह? जिस प्रगति की आपको तलाश है वो प्रगति मुझे नहीं मिली, बल्कि उसके साथ जो जुल्म हुए हैं वो कहानी मुझे मिल गई है। तुम्हें किसने बताई वो कहानी? ठकुराइन जी, इस जुल्म का शिकार अकेली प्रगति नहीं है, और भी लोगों के साथ जुल्म हुए हैं, मगर उनमें वो हिम्मत और वो साहस नहीं जो उसका मुकाबला कर सके। लेकिन अब वो जमाना बदल गया है। मैं तो आपसे सिर्फ यही कहूंगा ठकुराइन जी कि आप अपनी इस हवेली की कमजोर दीवारों को मजबूती से थामे रखिए, वरना आने वाली आंधी का एक ही झोंका इन दीवारों को गिरा सकता है। अच्छा चलता हूं। ये चाहत की मूरत वफा की निशानी, अजब दास्तां है अजब है कहानी।